देश में इस वक्त लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 जो कि इस देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चल रहे हैं, और ऐसे में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। और अगर बात करी जाए मुद्दों की तो इस बार देश में कई मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, और देश की राजनीति जहाँ विकास के आधार पर तय करी जाती है, लेकिन इससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि यहाँ पर दलित और मुसलमान वोट बैंक भी राजनीति तय करते हैं। तो क्या इस बार दलित और मुस्लिम वोट बैंक एनडीए की तरफ है या इंडिया गठबंधन की तरफ है या फिर किसी और को समर्थन कर रहे हैं, मूड क्या है इस बार जनता का, खासतौर से दलित और मुसलमानों का, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शलाउद्दीन शिबू जी मौजूद है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया दलित मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो शिबू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पर। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो दलित और मुसलमान है जो राजनीति की धुरी को तय करते हैं तो ये इस बार किसकी तरफ है, किसको सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? देखिए ऐसा है कि दलित और मुसलमान इस देश का पीड़ित वर्ग है, और उस वो तब तक सुरक्षित है जब तक संविधान सुरक्षित है, जब तक लोकतंत्र कायम है। 2024 का जो इलेक्शन है वो देश में संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के भविष्य को तय करने वाला इलेक्शन है। देश संविधान से चलेगा कि मनुवादी व्यवस्था से चलेगा, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सवाल हम सब के अंदर है। और चाहे दलित हों या मुसलमान, कुछ भी हो, वो अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, संविधान से बहुत प्रेम करते हैं, लोकतंत्र से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए अल्टीमेटली उनकी कोशिश यही है कि इंडिया गठबंधन जीते और लोकतंत्र की रक्षा हो और संविधान की रक्षा हो, हम सब की ये कोशिश है। और पिछले 8-10 साल से राहुल गांधी जिस तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए संघर्षरत हैं, उनकी मेहनत को देखते हुए, उनकी कोशिश को देखते हुए, उनकी काविशों को देखते हुए, हम सबको कांग्रेस पार्टी से बहुत सी नाराजगियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन अपनी नाराजगी को किनारे रखते हुए, अपनी अना को किनारे रखते हुए, हम लोग संविधान को बचाने के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और राहुल गांधी की मेहनत को देखकर हम लोगों ने समर्थन किया, एक चीज। लेकिन जो राहुल गांधी के अलावा इंटायर जो कांग्रेस की टीम है वो कहीं ना कहीं से हमें लगता है गंभीर नहीं है हाशिए के समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए। दलित और मुसलमान उनका साथ देने को तैयार है, उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इलीट फैमिली के इर्द गिर्द फंसी हुई है, एक चक्रव्यूह है वहां पे, वो बात तक करने को तैयार नहीं, और जो जोड़ने की कोशिश होना चाहिए वो जोड़ने को तैयार नहीं है, कतई कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी 8 अप्रैल को मेरे साथ बहुत सारे माइनॉरिटी के संगठनों ने, दलित संगठनों ने समर्थन किया इंडिया गठबंधन का, लेकिन उसके बाद से किसी भी लीडर ने हम लोगों से कोई विचार विमर्श नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की। हम लोग बहुत काम कर सकते थे, वोट बैंक को बढ़ा सकते थे, उनको अच्छी राय दे सकते थे, लेकिन उनकी जो जो भूमिका है पूरी तरीके से वो संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है। आपकी शिकायतें कही हैं उसके बाद भी आप राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं, और क्या इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं? इसमें तो कई दल हैं, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो अखिलेश यादव भी साथ है, इस बार वो पीडीए को लेकर चल रहे हैं, पीडीए यानी पिछड़ा दलित और ए यानी अल्पसंख्यक और आधा आबादी, उसमें सभी आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश यादव इज अ गुड लीडर, बहुत अच्छे नेता हैं और हम सब उनको बहुत पसंद करते हैं, और हम लोग चूंकि समाजवादी विचारधारा से जुड़े होने के नाते मुलायम सिंह जी के साथ हम लोगों ने काम किया है, और उनका अक्स कहीं ना कहीं समाजवादी लीडर का जो हमें दिखाई देता है माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अखिलेश यादव जी को एक ऐसे दायरे ने, एक ऐसे ऑफिस बीरर के, या ये कहिए कि जो सिक्योरिटी के लोग हैं, उन लोगों ने एक ऐसा घेरा बना रखा है अखिलेश यादव के इर्द गिर्द कि जो जनाधार वाले लोग हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, जो पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, ऐसे सब लोगों को वहां तक वो पहुंचने नहीं देते। एक घेरा बना रखा है जो ऑफिस बीरर्स हैं समाजवादी पार्टी के, और वो कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि वो कहीं और से गवर्न्ड होते हैं, वो बैठे जरूर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लेकिन गवर्न कहीं और से हो रहे हैं, और वो अच्छे लोगों को अखिलेश यादव तक पहुंचने नहीं देते हैं।
तो दिक्कत यह है कि मैं अपनी आप बीती क्या बताऊं, मैंने पिछले विधानसभा के इलेक्शन में देखा है कि मुलायम सिंह की जो समाजवादी पार्टी थी या अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी थी, उसको लोगों ने, खासतौर से माइनॉरिटी के लोगों ने, मुसलमानों ने लाइन लग के वोट दिया। दूसरी तरफ जो ऑफिस बीरर्स समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बैठे हुए थे, वो इस तरह से बेइज्जत करते थे तमाम लीडरान को, खासतौर से जो मुस्लिम समाज के लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, कि वो आंसू लेकर वहाँ से निकलते थे। तो कहीं ना कहीं जो तबका जुड़ने को तैयार बैठा, जो तबका उनका था, मुलायम सिंह जी हमेशा ये कोशिश करते थे कि इलेक्शन से पहले जो डाउन ट्राडन पे लोग काम करते हैं, जो हाशिए के समाज के लोग काम करते हैं, उनको बुलाते थे, उनसे बातचीत करते थे, विचार विमर्श करते थे, उनके सर पे हाथ रखते थे और उनको बाकायदा इलेक्शन में लगाते थे, मेहनत करवाते थे जी। आज अगर वो लोग जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो कोई मिलने को तैयार नहीं है, कोई उनको काम पर लगाना नहीं चाहता है। अभी काफी आरोप भी लगे थे समाजवादी पार्टी पे, अखिलेश यादव पे, कि मुसलमानों को नाराज किया गया है, उनको नजरअंदाज किया गया है, किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में नहीं उतारा गया है। और अब जो वो इंडिया गठबंधन में है, तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा गठबंधन पे? क्योंकि एक तरफ अभी आपने भी बताया राहुल गांधी से भी काफी शिकायतें, कांग्रेस से काफी शिकायतें हैं, बावजूद इसके समर्थन कर रहे, लेकिन अखिलेश यादव पर तो सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि उन्होंने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा, तो क्या इसका असर मानते हैं कि इंडिया गठबंधन पे पड़ेगा? बहुत असर पड़ने जा रहा है। मैंने कहा कि हिस्टोरिकल चुनाव है जी। लेकिन फिर भी गंभीर नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी के लीडरान हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लीडरान हो। अखिलेश जी को हमें लगता है ये समझा दिया गया है कि मुसलमान मजबूरी में कहीं ना कहीं वोट आपको देगा ही देगा जी। क्योंकि पिछले 15 साल से 20 साल से मुसलमान को सिर्फ एक चीज़ सिखाई गई कि उसे कोई डिमांड नहीं करना है, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट देना है। लेकिन शायद ये उन लोगों की भूल है, जिस तरह से अभी टिकटों का बंटवारा हुआ और जिस तरह से लगातार 8-10 साल के अंदर मुसलमानों के साथ जो परेशानियां आईं, जो घटनाएं घटित हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के किसी लीडर का ना खड़ा होना, समाजवादी पार्टी का साथ ना आना, ये भी मुसलमानों के दिमाग में है। तो अगर कहीं उनको अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, हो सकता है बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट हो सकता है ओवैसी जी की पार्टी कैंडिडेट हो, अगर अच्छा विकल्प मिलेगा तो उधर माइग्रेट कर जाएंगे, इनको कतई वोट नहीं देंगे। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि सारा मुसलमान, सारा दलित इनको वोट देने जा रहा है। वो आपका था, आपका हो सकता है, लेकिन आप उसको साथ लाने में कामयाब नहीं हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सलाउद्दीन शिबू जी, जो कि ऑल इंडिया दलित मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे हमने जाना कि आखिर दलितों और मुसलमानों का वोट बैंक किधर जा रहा है, किस आधार पर वो किसे चुन सकते हैं। तो शिबू जी ने ये बताया कि वो इस वक्त इंडिया गठबंधन को सहयोग तो कर रहे हैं, शिकायतें कई हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट राजविश के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।